आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सबसे बात करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। नंबर एक की उत्तर प्रदेश में इसी महीने की 15 तारीख से उत्तर प्रदेश में पीईटी की परीक्षा का शुरुआत हो रहा है, यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत प्रदेश के नौजवानों के बीच में कराई जाती है। लेकिन आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। पीईटी का जो एग्जाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तय किया है, उसके केंद्रों को आप देखेंगे, जब परीक्षा केंद्रों को आप देखेंगे तो आप उस परीक्षा केंद्र की दूरी को देखकर आप चकित हो जाएं। एक तरफ जहां पिछले 5 साल में यही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकम्मा और निठल्ला साबित हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन भर्तियां निकाली, परीक्षाएं कराई और आज तक तमाम भर्तियां अधर में लटकी हुई है, कोई कोर्ट का चक्कर काट रही है, किसी में नौजवानों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से परीक्षाओं में पारदर्शिता को लाने के लिए बलिया के नौजवान का सेंटर गाजीपुर भेज दिया है, बलिया के नौजवान का सेंटर झांसी भेजा है, गाजियाबाद के नौजवान का सेंटर अंबेडकर नगर भेज दिया है। यानी परीक्षा केंद्रों की दूरी जो है 700, 800, 900 किलोमीटर दूर छात्रों को जाकर वहां पे परीक्षा देना पड़े। कितना बड़ा उत्तर प्रदेश में नौजवानों और छात्रों के साथ चल रहा है। आप सोचिए, लगभग 37 लाख नौजवानों ने इस पीटी यानी प्रारंभिक